29 नवंबर को मुरादाबाद में निकाय चुनाव का मतदान होगा। 27 तक प्रचार का समय है, क्योंकि प्रचार के चंद दिन ही बचे हैं, इसलिए हर प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। वार्ड 36 से भाजपा के राजेश गुप्ता ने अपने आप को इस चुनाव को समर्पित कर दिया है। उनका कहना है कि पार्षद बनने के बाद वो पूरे का हर कीमत अग्रवाल के कारण चाहे जो हो जाए, जो वादा उन्होंने किया है वो पूरा करके कार्यालय बनाकर पूरी टीम काम में लगी है। राजेश गुप्ता मानते हैं कि विनोद अग्रवाल ने फूलमाला पहना। हमारे वार्ड में हमारी जो तैयारी है बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, पूर्ण तरीके से सारे हमारे साथ सब पूरे। क्या कोई खास रणनीति बनाएगी, ये किस तरीके की समस्या है, जनता के बीच जाकर किस तरह का प्यार मिल रहा है? जनता के बीच में जाकर बहुत अच्छा प्यार मिल गया। हर एक आदमी जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उससे सब खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज नहीं है, सब खुश हैं। जो मोदी सबका विकास है, ना ना ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब जो है विरोधी दल जो है हमारे पार्टी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। क्षेत्र में जो है वैसे काफी विकास कराया गया, जो शेष विकास रह गया वो इस बार सब पूर्ण तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो है हमारा वार्ड बहुत छोटा वार्ड हो गया और किसी तरह की कोई समस्या का नहीं रहेगी इस बार। अपील यह है कि हमारा जो कूड़ा घर है ना, ये रामलीला मैदान में जो तालाब है नगर निगम के मरघट के नाम से दर्ज है, सबसे पहले उसमें यह होगा कि वो वहाँ पे जो है उसका पार्क बनवाया जाए। और एक हमारा इसका प्रकाश नगर चौराहे का सौंदर्यकरण है, इसका सौंदर्यकरण, और एक यहाँ रामलीला रोड पे एक रामलीला द्वार प्रकाश नगर चौराहे पे बनवाया जाएगा। ये सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी इस बार। ये जो मुरादाबाद महानगर का निकाय चुनाव है ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है, और अगर क्षेत्र में विकास की ज़रूरत है, यहाँ पर मुरादाबाद का विकास जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। अब हमारे केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है, तो ये ज़रूरी है कि हमारे स्थानीय निकाय में भी भाजपा की सरकार ही होनी चाहिए। हम जो निर्वाचन करें अपने प्रत्याशियों का, चाहे सभासद हो, महापौर जी हैं, उनका भारी बहुमत से उनको जिताएं, ताकि इस मुरादाबाद शहर का समुचित विकास हो सके। अगर हमारा कोई विरोधी या दूसरी पार्टी की यहाँ से मेयर बनता है तो सरकार से उतनी सहायता नहीं मिल पाती है, और वो यही कहते हैं कि सरकार दूसरी है, इस कारण से हम विकास नहीं कर पाए हैं। तो अतः ज़रूरी है कि शहर के विकास के लिए यहाँ पर महापौर का भी और पार्षदों का भी, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है उसके सदस्य होने चाहिए। हमारे लाइन पार क्षेत्र की अनेकों समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो कपूर कंपनी का पुल है उसकी बड़ी समस्याएं हैं, कमज़ोर पुल हो गया है, जब भीड़ होती है तो वो पुल डगमगाता है और कभी भी किसी समय भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इसका निराकरण बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी जो सेकेंड एंट्री से पुतलीघर रोड है उसके स्थान पर सड़क, बहुत अहम मुद्दा है ये। यहाँ पर ये समझ ले जो है यहाँ पर ये हार्ट ऑफ द सिटी है, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है इस सड़क का निर्माण का। और कई मुद्दे जैसे रामलीला मैदान में है, वहाँ पर जो एक तालाब बना हुआ है वहाँ पर कूड़ा करकट इकट्ठा होता रहता है, सुबह को काफ़ी लोग हजारों की संख्या में बच्चे बूढ़े और लोग टहलने आते हैं, वहाँ पर बदबू आती है और जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं वहाँ पर होते हैं, इसलिए इसके स्थान पर चिल्ड्रन पार्क बनना बहुत ही आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि आगामी समय में इस क्षेत्र का विकास भी होगा। हमारे पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, लाइन पार्क की जनता सबसे अधिक मत देती है, चाहे वो सभासद का चुनाव रहा हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, चाहे मेयर का चुनाव हो, सब में भारी बहुमत से जो है वो दिया जाता है यहाँ से। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास भी बहुत तीव्र गति से होना चाहिए, ऐसी हम इच्छा व्यक्त करते हैं और कामना करते हैं कि आगे जब हमारी सरकार होगी यहाँ पर, मुरादाबाद की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से शहर का विकास होगा।